जय हिंद। आज मैं आपको साइंस जीके का ट्रिक लेकर के फिर से आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मानव के अंदर में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगों को फैला देते हैं। तो उसमें आज आपको हम बताएंगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोगों को जो फैलाते हैं उसको कैसे याद किया जाए। एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा और यह ट्रिक भी बहुत फनी है, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ प्रोटोजोआ जनित रोग। देखिए प्रोटोजोआ जो है उसको प्रोटोजोआ ही कहते हैं अंग्रेजी में। यह मुख्यतः 5 प्रकार की बीमारी फैलाता है। तो देखते हैं यहाँ पे उसको याद करने का जो ट्रिक है हमने बनाया है। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं उसको कैसे आप करेंगे। पापा से यहाँ पायरिया बन गया और का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया और पे से हो गया पेचिस और सोते से हो गया निद्रा रोग। तो इसमें आप 5 प्रकार की बीमारी देख रहे हैं। देखिए पायरिया जो होता है वह मुख्यतः एंट अमीबा जिंजेवेलिस के कारण होता है। यह मसूरों की बीमारी है, उसके अंदर में जाकर के घाव बना देता है और बड़ी दर्द होता है। उसी तरह आप कालाजार देख रहे हैं, कालाजार जो बीमारी है वह लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। यह बालू मक्खी इसका वाहक है, यह इस रोग में बहुत तेज बुखार लगता है। उसी तरह से मलेरिया है, मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है उसके काटने से आपके शरीर में चला जाता है, यह आरबीसी को नष्ट कर देता है, बड़ी तेज बुखार लगता है। साथ ही पेचिस, पेचिस क्या है, पेचिस जो है वह बड़ी आंत की बीमारी है। वह उसमें जो है से जब आंत में चला जाता है इस तरह के एंटामीबा हिस्टोलिटिका तो वह काफ़ी दर्द पैदा कर देता है और आपको आँव हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, उसमें खून निकलता है। साथ ही निद्रा रोग, निद्रा रोग जो है वह ट्रेपिनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें क्या होता है, सीसी मक्खी इसका वाहक है, सीसी मक्खी के काटने से होता है, बड़ा दर्द होता है। इसमें बहुत सारे लोग सोए सोए ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब देखिए कवक या फफूद के द्वारा होने वाले रोग को जानिए। इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये बहुत ही फनी है, गंजा दामाद, मेरा तो बाल है। यहाँ देखिए गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा माने गंजापन, गंजा से बना और दामाद में दमा से बन गया, दमा और इस द और इस द दोनों को मिला दीजिए तो दाद हो गया, खाए खाज खुजली और फ्रूट हो गया एथलीट फुट। तो आप देखिए गंजापन क्या होता है, पूरा बाल जो है धीरे धीरे उड़ने लगता है। गंजापन जो है टीनिया कैपेटिस नामक फफूद के कारण पैदा होता है, या बालों की ग्रंथि ही खत्म हो जाता है तो बाल टूट टूट के गिरने लग जाते हैं। अब देखिए दमा, दमा में क्या होता है, दमा जो है एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है, फेफड़ा में होता है। जब आपके फेफड़ा में कवक चला जाएगा तो उसके भी जो बीजाणु होते हैं वो जाल बनाकर रहने लगते हैं और आपके फेफड़ा के नलियों को सिकोड़ देते हैं। उसी तरह से दाद, दाद में क्या होता है, एक प्रकार की ये भी जो है इसके जो वाहक है वह कवक है, या त्वचा के अंदर जाल बना लेता है और लाल रंग के गोले पड़ेंगे, ये भी संक्रामक बीमारी है। खाज खुजली में क्या होता है, खाज खुजली जो है एकेरस एस्केबीज नामक जो है कवक के कारण होता है, इसमें खुजली बहुत होता है और वहाँ सफ़ेद दाग पड़ जाता है। एथलीट फुट में क्या होता है, एथलीट फुट जो है वो ट्राइको फाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है, यह भी जो है शरीर के जो त्वचा होते हैं वो मुलायम त्वचा उसके अंदर में चला जाता है। तो इस तरह से अब मैं आपको जीवाणु जनित रोग बता रहा हूँ। वो उसमें 11 प्रमुख रोगों को मैंने शामिल किया है और उसका जो एकदम फनी जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, GST पंडित का न्यू टीका है, पंडित जी का न्यू टीका GST है। अब देखिए GST, जी का मतलब यहाँ गोनेरिया है, एस का मतलब सिफिलिस है, टी का मतलब टाइफाइड है और पंडित का मतलब हो जाएगा प से देखिए प्लेग बन गया, यहाँ डी से डिप्थीरिया बन गया और त से तपेदिक बन गया, 3 बीमारी इसमें आ गया। का से हो गया काली खांसी, न्यू से हो गया निमोनिया और टीका में टी से हो गया टिटनेस और का से हो गया कुष्ठ रोग, है से हो गया हैजा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बन गया। अब आप इसको देख लीजिए कि गोनोरिया होता क्या है। एक्चुअली गोनोरिया जो है वो एक प्रकार का संक्रामक, ये मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण है। यह इसमें होता क्या कि जोरों का दर्द होता है आपके शरीर में, एंटीबायोटिक्स दवा दिया जाता है इसमें। साथ ही आप देख रहे हैं सिफिलिस, सिफिलिस में क्या होता है, रोगी के साथ जो है संभोग करने से ये बीमारी हो सकता है, जिनके पहले से ही बीमारी है। यह गुप्तांग में होता है और उसमें लाल लाल दाना निकल आता है, इसमें पेनिसिलिन दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए। अब देख रहे हैं टाइफाइड, टाइफाइड किस तरह की बीमारी है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु के द्वारा होता है ये, और इसमें आंत का बुखार भी इसको कहते हैं, इसमें बड़ी तेज बुखार लगता है और प्लीहा बढ़ जाता है इसमें।
तो ये देख लिए, प्लेग में क्या होता है, प्लेग जो है ना एक प्रकार की छूत की बीमारी है, चूहा के द्वारा ये फैल सकता है, उसका वाहक होता है चूहा, इसमें सल्फा ड्रग्स दिया जाता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया गले की झिल्ली, गले में यहाँ पे एक झिल्ली बन जाता है, उसमें उसको ठीक करने के लिए DPT का जो है वो दवा दिया जाता है, साफ सफाई इसके लिए रखना चाहिए। उसी तरह से आप देख रहे हैं इसमें तपेदिक, तपेदिक क्या होता है, यह जो है एक प्रकार का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, इसमें BCG का टीका लगवाया जाता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं काली खांसी, काली खांसी में क्या होता है, काली खांसी में भी जो है वो DPT का ही टीका लगता है, इसमें हवा में जो है इसके बैक्टीरिया फैले होते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं निमोनिया, निमोनिया जो है वह निमोनिया उसमें तेज बुखार लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ा में सूजन होता है, तो इसको ये निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में तेज बुखार लगेगा, तो अभी आपको हम बता दिए। टिटनेस देख लीजिए, टिटनेस में क्या होता है, टिटनेस जो है वो बैसिलस टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसमें टिटबैक का टीका दिया जाता है, यह घाव से फैल जाता है, इसीलिए कभी कभी जिसमें जंग लगा होता है उस तरह के सुई या कील वगैरह अगर चुभ जाए तो तुरंत टिटबैक का दवा ले लेना चाहिए। कुष्ठ रोग में क्या होता है, कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेपरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसमें MDT दवा दिया जाता है। इसी तरह से हैजा देख लीजिए, हैजा क्या होगा, यह मक्खी के द्वारा फैलता है, शरीर में जल की कमी हो जाता है, इसमें भी हैजा का टीका लगाया जाता है। अब देखिए आप जीवाणु जनित रोग समझ गए, अब आप समझिए विषाणु जनित रोग, इसमें भी मैंने मुख्यतः 11 बीमारियों को शामिल किया है और इसके लिए भी एक फनी, बहुत ज़्यादा फनी है उसका फॉर्मूला, देखिए, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो, तो ये जो है ए का मतलब एड्स हो गया, चाचा में देख लीजिए चेचक बन जाएगा, इन्हें मने इन्फ्लुएंजा, डांटो में दो बीमारी, डां से डेंगू, टॉ से ट्रेकोमा, मत मो से मेनिनजाइटिस, खरे में ख से खसरा, र से रेबीज, और गाल में देखिए गलसुआ, और पे में पीलिया, और छापों में पो से हो जाएगा पोलियो। अब एक एक करके इन सबको समझ लीजिए, देखिए एड्स क्या है, एड्स एक प्रकार के वायरस जनित बीमारी को कहते हैं और यह HIV के द्वारा होता है मुख्यतः, और इसमें जो है रोगी का रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। उसी तरह से आप चेचक को देख रहे हैं, चेचक क्या होता है, इसमें बड़ा दर्द होता है, शरीर पे लाल लाल दाना पड़ जाता है, चेचक का टीका लगवाया जाता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो है एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है, इसमें सर्दी खांसी तेज बुखार खूब लगता है, इसमें भी जो है आपको एंटीबायोटिक्स दवा दिया जाता है। उसी तरह से डेंगू है, डेंगू क्या है, डेंगू जो है ईडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है, इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, इसमें बड़ी तेज बुखार लगता है, माइक माइक बाबू बाबू चिल्लाने लगता है जिसको होता है, तो इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। अब देखिए ट्रेकोमा, ट्रेकोमा आंख की बीमारी है, इसमें होता है कि आंख की जो कोर्निया है वह प्रभावित हो जाता है, इसमें जो दवा दिया जाता है पेनिसिलिन दवा दिया जाता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस एक प्रकार का मस्तिष्क ज्वर को कहते हैं, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसमें भी टीका लगवाया जाता है। उसी तरह से खसरा, खसरा क्या है, खसरा जो है वह भी एक प्रकार का नाक और आंख से पानी निकलने लगता है, इसमें लाल लाल दाना पड़ने लगता है, इसमें रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है, गरम गरम भोजन करिए, हल्का भोजन करिए, वो कहा जाता है। रेबीज, रेबीज क्या होता है, रेबीज आप इसके बारे में आप जानते होंगे, पागल कुत्ता काट लिया, भेड़िया काट लिया, या फिर और भी कोई जानवर काट लिया, उससे हो सकता है, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, इसमें पैरालिसिस भी मार देता है रोगी को, इसलिए इसका इलाज तुरंत करवा लेना चाहिए। गलसुआ, गलसुआ क्या है, गलसुआ लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, पैरोटिड ग्रंथि में जो है वो सूजन आ जाता है इसके कारण। उसी तरह से पीलिया, पीलिया क्या होता है, पीलिया एक प्रकार से पित्त वर्णक होता है, खून में जो है बाइट की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए पेशाब जो है से पीला हो जाता है। उसी तरह से पोलियो, पोलियो क्या है, पोलियो एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी है और इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से इस सबको समझ गए होंगे, अब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसको शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।